हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टुडे इट्स अ सेकेंड लेक्चर ऑफ फाउंडेशन क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द फर्स्ट लॉ, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो लेट्स बैंग ऑन एंड स्टार्ट अप दिस चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी और आपको समझने में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज आपने ये पहले भी कर रखा है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्ट, फर्स्ट लॉ of our syllabus, that is Partnership Act 1932. Let us start today. I have divided this chapter into three units. Today we are going to start up with the first unit, that is General Nature of Partnership. The first unit is General Nature of Partnership. आइए, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं कि इस यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं, इस यूनिट में हमें कौन कौन सी नई बातों का पता चलेगा या इसका क्या शॉर्ट सिलेबस है। तो आइए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, what is the true test of partnership, this is the most important question, what is the true test of partnership, next distinction with the other forms of organization, isme hum other forms of organization like we are going to compare partnership with the other forms, matlab partnership ko hum compare karenge other forms of organization jaise partnership with joint stock company, partnership versus club, partnership versus HUF, partnership versus co-ownership, and last topic जो इसमें होगा हमारे पास type of partners। आइए इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे and slowly and gradually we'll complete this first unit of partnership। Fine? हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हुए, अच्छे से इवन याद भी करते हुए with numerous examples हम करेंगे। आइए तो let us start। So first topic, the very first topic in this law is what is partnership? Partnership क्या है? आप क्या समझते हैं partnership से? मतलब general parlance में या general language में partnership is जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कुछ काम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि उनके बीच में partnership है। आप सबने देखा होगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैव डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। इन दोनों ने क्या डिसाइड करा कि वो साथ में काम करेंगे और बिजनेस करेंगे साथ में, किस लिए, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए वो साथ में बिजनेस करते हैं। तो इन दोनों के बीच में, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में कैसा रिलेशन है, द रिलेशन इज पार्टनरशिप। ठीक है, तो आइए यही वर्ड्स को हम देखते हुए, आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन एक बार रीड करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू रीड इट। क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, मैंने इसको इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करा है, देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और एक शॉर्ट एग्जाम्पल लूंगा, एक शॉर्ट एग्जाम्पल आपके साथ, और आप ये डेफिनेशन को याद कर लेंगे। आइए, कहते हैं जैसे मिस्टर ए ने डिसाइड करा कि वो बिजनेस करेगा मिस्टर बी के साथ। आइए लेट्स ड्रॉ मिस्टर ए, ये है हमारा मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज ऑल्सो देयर, हमारे साथ मिस्टर बी भी है। हाँ जी, ही इज मिस्टर बी। बोथ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी have decided to work together, decided to work together
have decided to work together and run a business. इन्होंने क्या डिसाइड करा कि दे विल डू अ बिजनेस टूगेदर और क्या करेंगे दे विल शेयर द प्रॉफिट्स. और क्या सिर्फ ये प्रॉफिट शेयर करेंगे नो दे विल ऑल्सो शेयर द लॉसेस. आइए देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या डिसाइड करा that they will work together and they will run a business. And when they will run a business, of course, profit or loss to hoga. And us profit and loss ko ye kya karenge? They will share. Apne aapas mein ye kya kar lenge? Share kar lenge. Theek hai? To kehte hain, in dono ke beech mein ye jo rishta hai, aapne wo serial ka naam to suna hi hoga, ye rishta kya kehlata hai? To ye keh rahe, ye rishta kya kehlata hai? In dono ke beech mein jo rishta hai, usse hum kehte hain partnership. क्या कहेंगे पार्टनरशिप. मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो रिलेशन है उसे हम क्या कहेंगे पार्टनरशिप. तो जैसे देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस. कौन से पर्संस? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. रिलेशन किसके बीच में है? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में हु हैव एग्रीड. जिन्होंने क्या किस चीज का एग्रीमेंट करा है? टू शेयर द प्रॉफिट एंड losses. What they have decided to do the business and share the profit and losses of the business. Business ka profit and losses ko share karne ke liye is cheez ka unhone kya kar liya? Agreement kar liya. Theek hai? Carried on by all or any of them acting for all. Carried on by all ka matlab hai ki sare partners milke kaam kare. Jaise is case mein Mr. A aur Mr. B dono milke काम कर रहे हैं. ठीक है तो क्या कह रहे हैं? फाइनली पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट अभी एक बार इसको आप पेंडिंग रखिएगा बिकॉज ये स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है. तो अभी के लिए एक बार आप सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे. क्या कह रहे डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस. ठीक है और यहां पर कह रहे जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हम इन दोनों को क्या कहते हैं पार्टनर्स. मिस्टर ए को क्या कहेंगे हम पार्टनर और मिस्टर बी को हम क्या कहेंगे अगेन अ पार्टनर. ठीक है मिस्टर ए को हम क्या कहेंगे पार्टनर और मिस्टर बी को भी हम क्या कहेंगे पार्टनर. और कलेक्टिवली इन दोनों को अगर जोड़ के हम कहें मिस्टर ए एंड बी को टुगेदर हम कहें तो टुगेदर हम कहेंगे इट इज अ फर्म. टुगेदर ये क्या कहते हैं फर्म. ठीक है एंड मान लेते हैं इन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा. मान लेते हैं लेट अस अज्यूम कि इन्होंने बिजनेस का नाम रखा. बिजनेस का नेम है ए बी ट्रेडिंग कंपनी. ए बी ट्रेडिंग कंपनी इन्होंने नाम क्या रखा ए बी ट्रेडिंग कंपनी. तो ये जो ए बी ट्रेडिंग कंपनी है इसे कहेंगे हम फर्म नेम. इसे हम क्या कहेंगे फर्म नेम. समझ रहे हैं आप सब इसे हम क्या कहेंगे फर्म नेम. तो देखिए पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप जो पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर करे हमारे केस में किसने एंटर करा पार्टनरशिप में मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. अगर हम इंडिविजुअली कहें मिस्टर ए क्या है पार्टनर ऑफ ए बी ट्रेडिंग कंपनी. हु इज मिस्टर बी पार्टनर ऑफ ए बी ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है एंड कलेक्टिवली अगर ए एंड बी को जॉइंटली अगर बोलना हो तो टुगेदर वी विल कॉल देम फर्म. टुगेदर हम इन्हें क्या कहेंगे जॉइंटली हम इन्हें क्या कहेंगे फर्म. एंड द नेम अंडर विच जिस नेम में ये काम कर रहे हैं द नेम ऑफ बिजनेस
जैसे ए बी ट्रेडिंग कंपनी, इसे हम कहते हैं फर्म नेम. द एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम. कह रहे जिस नेम में वो काम करे, जो फर्म का इन्होंने नाम रखा. क्योंकि आपने देखा है, आप किसी भी दुकान में जाते हैं, उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है. जैसे सावरिया ट्रेडर्स इज देयर, श्री बालाजी ट्रेडर्स आर इज देयर, ठीक है, ए बी ट्रेडिंग कंपनी इज देयर. तो ये सारे क्या है, फर्म नेम. इन्हें हम क्या कहते हैं, बिजनेस नेम, या बिजनेस नेम की जगह और भी कहते हैं ट्रेड नेम, ठीक है. तो इसे हम यहाँ पे ए बी ट्रेडिंग कंपनी को हम क्या कहेंगे, फर्म नेम. आई होप इट इज क्लियर. तो फाइनली व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप का एक रिश्ता है, इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है. चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. एक पार्टनरशिप के क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं. टोटल देयर आर फाइव एलिमेंट्स. टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, फाइव. द फर्स्ट एलिमेंट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. द फर्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. कह रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम दो जनों का होना जरूर, कम से कम दो जनों का होना जरूरी है, ठीक है. अब एक फॉर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट और नॉट. यस, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट आल्सो, वो हम डिस्कस करेंगे. बट एट प्रेजेंट अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है तो कम से कम कितने पार्टनर्स चाहिए, हमें चाहिए दो पार्टनर्स, मिनिमम टू पार्टनर्स, तभी तो पार्टनर्स कहलाएंगे. तो कम से कम कितने पार्टनर्स, टू पार्टनर्स. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब होता है मिलके काम करना. तो एसोसिएशन किसकी है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. कम से कम कितने जने चाहिए, दो जने चाहिए, ठीक है. सेकेंड, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का क्या मतलब है, एग्रीमेंट का मतलब है देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता है पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ याद आया, पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड. क्या कहेंगे हम उसे, पार्टनरशिप डीड. जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पार्टनर्स उसे हम क्या कहते हैं, या जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स एक्सप्लेन करता है कि पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कितनी रेमुनरेशन लेगा. ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कहां लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है. थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज बिजनेस. कह रहे एक बिजनेस होना बहुत जरूरी है, अगर बिजनेस नहीं है तो हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते. हम पार्टनरशिप किसे कहेंगे, जब बिजनेस हो. अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है. फोर्थ, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. अब बिजनेस कर लिया तो अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, कि हम बिजनेस करने के बाद हमारा मोटिव क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में, टू शेयर द प्रॉफिट्स. आपने कोई पार्टनरशिप सुनी है जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नहीं है, नो. लो हमें क्या कहता है कि जहां पर मेंबर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रिस्क्राइब नहीं करी डीड में, अगर उन्होंने डीड में नहीं लिखा हुआ तो हम कौन सी पार्ट, कितनी रहते थे रेशियो, इट इज 1:1. अगर आपको याद हो हम 12th में क्वेश्चंस भी करते थे, जहां पर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा, देन इन दैट केस हम कितनी रहते थे रेशियो, इक्वली, दैट इज 1:1. दैट मींस इवन लो सेज कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी जरूरी है, ठीक है. देन द लास्ट एलिमेंट इज, फिफ्थ एलिमेंट इज कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसे मैं आपको डिटेल में डिस्कस अभी करूंगा. अभी हम एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे और एक एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट एलिमेंट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. आप मुझे बताइए मिनिमम कितने जने होने चाहिए, मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, दो. कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए,
दो पार्टनर्स, ठीक है, और मैक्सिमम मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? इट इज 50. किसने बोली ये बात? कंपनीज एक्ट 2013 ने. दैट मींस कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, इस चीज की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने हमें नहीं दी. ये लिमिट किसने दिया हमारे को? कंपनीज एक्ट 2013 ने. आई रिपीट, देखो मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? दो. मैक्सिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट से कुछ भी नहीं, पार्टनरशिप इज साइलेंट. पार्टनरशिप एक्ट कहता है मेरे को नहीं पता मैक्सिमम कितने हो सकता है. तो इस बात पर कंपनीज एक्ट ने बोल दिया. कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स शुड बी 50. हाउ मेनी? 50. ओके, तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. दैट मीन्स कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? दैट इज टू. देन अ फर्म, सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आईज ऑफ लॉ, कैन नॉट बी अ पार्टनर. क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी. क्या वर्ड सुना आपने ये? या एक वर्ड सुना होगा सेपरेट लीगल एंटिटी. थोड़ा सा नया शब्द है, आइए मैं बताता हूं. कहते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका क्या मतलब है? जब एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट मींस कि जो उसके मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो दोनों क्या है? अलग अलग है. वो दोनों सेम नहीं है. मतलब मेंबर्स एक तरफ और कंपनी एक तरफ. बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता. पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स एंड कंपनी, सॉरी, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स एंड फर्म आर कंसिडर्ड एज वन. पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स और कंपनी कैसे कंसिडर करे जाते हैं? एज वन. ठीक है, तो आइए, एंड पार्टनरशिप फॉर्म दे आर कंसिडर्ड एज वन सिंगल. इन्हें सेपरेट कंसिडर नहीं किया जाता. ठीक है, इसलिए इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म को एक अलग एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में इसे एक अलग एंटिटी कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि कंपनी को किया जाता है. देखिए, सुनिए ध्यान से. मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, आई एम द मेंबर. मेरे पास उस कंपनी के क्या है? शेयर्स हैं. ठीक है, तो लॉ कहता है कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है. ठीक है, दैट मींस कि मेंबर एंड कंपनी बोथ आर सेपरेट. बट पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स बोथ आर वन. ये दोनों क्या है? एक ही है. पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर नहीं किया जाता. पार्टनरशिप फर्म की कोई लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ नहीं होती. लीगल नेचर जो इसका होता है वो सेपरेट लीगल नहीं होता. आई समझ? दैट मींस कि ये पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर वन. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अ फर्म, क्या कह रहे हैं? फर्म, जो एक पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि इट इज नॉट अ पर्सन. जैसे कंपनी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, पर पार्टनरशिप फर्म को हम आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कहते. तो इसलिए कह रहे हैं अ फर्म, सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आईज ऑफ लॉ, कैन नॉट बी अ पार्टनर. वो पार्टनर नहीं हो सकती. अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म. एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता फर्म में. आपको पता है माइनर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसकी एज कितनी हो? 18 से कम. जिसकी एज कितनी होती है? 18 से कम. तो उसे हम क्या कहते हैं? माइनर. अब माइनर तो क्या है? बच्चा है. उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज उसे इतनी नॉलेज नहीं होती. लोग कहते हैं ये तो बच्चा है, इसको नॉलेज नहीं है, तो क्या हम उसे पार्टनर बना सकते हैं? आंसर इज नो. अ
partner cannot become a partner, a minor cannot become a partner in a firm. Ek minor partner nahi ban sakta. Theek hai? But with the consent of all the partners. Consent ka matlab kya hota hai? With the approval. Consent ka matlab approval. With the approval of all the partners, sare partners ki approval ke baad, minor may be admitted to the benefits of the firm. A minor ko partnership firm ki benefits ke liye add on kar sakte hain. Aapko usko partner nahi banana, but aap use admit kar sakte hain for the benefits. Ab iska kya matlab hai ki hame use benefits ke liye add karna hai? Ek taraf keh rahe use partner nahi banana, ek taraf keh rahe use admit karna hai for the benefits. That means, dhyan se suniye. Agar hum minor ko partner bana lenge, to wo profit bhi lene ka haqdar ho jayega, aur losses bhi usko suffer karne padenge. Agree? Iti baat samajh aayi ki agar humne minor ko partner bana liya, to wo profit to lega hi lega, aur saath mein wo kya lega? Losses bhi lega. Theek hai? But ye to galat baat ho jayegi, because minor to kya hai? Bachcha hai, usse to gyan nahi hai, usse to knowledge bhi nahi hai. ठीक है, तो इसलिए लॉ कहता है कि उससे पार्टनर एडमिट नहीं करना. बट अगर आप उसे फर्म के बेनिफिट के लिए ऐड करते हो, तो फिर आपको सिर्फ उसे क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा, लॉस में वो शेयरिंग नहीं करेगा. ठीक है, अगर आप उसे एडमिट करते हो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, देन वो सिर्फ क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट. वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा. क्यों लॉसेस शेयर नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो बच्चा है. ठीक है, उसे सिर्फ लो क्या दे रहा है? बेनिफिट्स दे रहा है. वो क्या है? उसे लो बेनिफिट दे रहा है कि वो सिर्फ क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट, नॉट द लॉसेस. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. ये मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, वो नहीं कहता मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट किसने दी है? कंपनीज एक्ट 2013 ने. और कौन से सेक्शन में? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इसने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी 50. 50 मेम पार्टनर्स हो सकते हैं एक फॉर्म में. क्लियर है? नेक्स्ट एलिमेंट इज एग्रीमेंट. फर्स्ट हमने एलिमेंट क्या सीखा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्या मतलब है? जब मिनिमम दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने के, एक पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए. ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50. क्या माइनर हो सकता है पार्टनर? नो, पार्टनर नहीं बन सकता, बट वो फर्म में एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का मतलब है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. There must be a contract. Partners के बीच में क्या होना चाहिए? Contract होना चाहिए. There must be a contract between the partners. ठीक है? What is the nature of the contract? क्या हमें जरूरी है contract में enter करना ही है? कहते देखो, contract में enter करोगे तो आपकी ही सहूलियत है. आप पहले से ही define करके रखोगे किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, किसकी क्या duties हैं, किसकी क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं. ये पहले से आप सारी बातें डिसाइड करके रखोगे. बट लॉ कहते हैं मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है. तो इसलिए इसने क्या बोला? नेचर ऑफ एग्रीमेंट इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल. क्या एग्रीमेंट ओरल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. बट प्रेफर्ड क्या है? प्रेफर्ड इज राइटिंग. अगर रिटन में होगा तो प्रेफर्ड है. क्यों? बिकॉज इट विल अवॉइड disputes, it will avoid disputes in future. For example, partners ने decide किया था profit sharing ratio होगी equally. तीन partners हैं, A, B और C. There are three partners, A, B and C. और तीनों ने decide किया था that profit sharing ratio will be 1:1:1. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये एग्रीमेंट हो गया ओरल. अब जब एक्चुअल में प्रॉफिट आया,
प्रॉफिट आया तो मिस्टर ए पार्टनर ए क्या कहता है कि रेशियो 3:3:2:1 प्रॉफिट आया तो ए क्या प्ली करता है कि रेशियो इज 2:3:2:1 जबकि डिसाइड क्या हुई थी इक्वली. अब इस चीज का एविडेंस क्या हो कि डिसीजन 3:2:1 का हुआ था, कोई प्रूफ तो है नहीं. ठीक है, तो इसलिए क्या प्रेफर्ड होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग. कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए जिससे फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो. लॉ मना नहीं करता, लॉ कहता है आपने ओरल बनाना है ओरल बनाओ, रिटर्न बनाना है रिटर्न बनाओ, बट प्रेफर्ड क्या है रिटर्न में जिससे फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो. ठीक है, देन एन एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक वर्ड होता है एक्सप्रेस. एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जिस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही बता दी जाती है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट. कौन सा एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन ओरली या रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी जाती हैं उसे कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट. और इम्प्लाइड एग्रीमेंट कौन सा होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली नहीं बताया जाता, जो कैसे होता है विद द एक्ट ऑफ द पार्टनर्स. फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में हम एक्सप्रेसली लिखेंगे कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, तो इसे मैं क्या कहूंगा एक्सप्रेस एग्रीमेंट. ठीक है, एक पार्टनर परचेज करता है गुड्स, एक पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म परचेज करता है, तो ये क्या इंप्लाइड पावर. इसे मैं क्या कहूंगा कि उसके पास कैसी पावर है, इंप्लाइड है. क्या एक पार्टनर ही तो है, वो तो परचेज कर ही सकेगा, तो इसलिए लॉ कहता है कि एग्रीमेंट में कुछ चीजें होती हैं एक्सप्रेस, कि कुछ बातों को आपको एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा. ठीक है, और कुछ बातें होती हैं इंप्लाइड, कि ये ऑब्वियस है, ये तो पता ही होगा, ये वाले राइट तो इसके पास होंगे ही बींग अ पार्टनर. समझ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपके साथ एग्जाम्पल लिया कि अब मैं पार्टनरशिप अगर एंटर करता हूं आपके साथ तो मैं क्या डिसाइड करूंगा, कितनी रेमुनरेशन होनी चाहिए, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, ठीक है, कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी बातें मैं आपके साथ एक्सप्रेसली डिस्कस करूंगा, चाहे मैं इसको रिटर्न में करूं चाहे मैं ओरली करूं. ठीक है, बट आफ्टर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप कुछ राइट्स होते हैं मेरे पास, कुछ राइट्स आपके पास भी है कुछ राइट मेरे पास भी है, जैसे पेमेंट रिसीव करना. अब बीइंग अ पार्टनर इतना तो हक होना चाहिए ना कि पैसे मैं भी कलेक्ट कर सकूं. ठीक है, ऑर्डर प्लेस करना, गुड्स की सेल करना, तो ये क्या है इंप्लाइड पावर्स. ठीक है, इसे कहते हैं इंप्लाइड, जो ऑब्वियस है कि भाई बीइंग अ पार्टनर ये तो होगा ही होगा. ठीक है जी, देन एग्रीमेंट के हमारे पास क्या चार पॉइंट है. फर्स्ट कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. ठीक है, इट कैन बी ओरल, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. ठीक है, और इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मतलब जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही डिसाइड कर ली जाए ओरली या रिटन फॉर्म में, और इम्प्लाइड का मतलब जो इम्प्लाइड है ऑब्वियस है होगा ही होगा. ठीक है जी, नेक्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट इज बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज बिजनेस. कहते हैं आप कोई भी काम करें, अगर आप कोई भी करेंगे काम तो आप किस लिए करेंगे, फॉर बिजनेस. आपने पार्टनरशिप में एंटर क्यों करा, बिजनेस करने के लिए. सिंपल सी बात है, तो बिजनेस है क्या, सबसे पहले तो मुझे यह समझना पड़ेगा व्हाट इज बिजनेस. तो लॉ सेज बिजनेस इज नथिंग बट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, इट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. कहता है हर ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करी जाती है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करी जाती है. ट्रेड कहते एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो ट्रेडिंग में है तो हम क्या कहेंगे, वो बिजनेस में है, बिजनेस कर रही, क्योंकि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदना और फिर गुड्स को बेचना, उसे हम क्या कहेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रेड. ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, आप समझते हैं ऑक्यूपेशन प्रोफेशन क्या है. ऑक्यूपेशन इज वेरी सिमिलर टर्म.
लाइक बिजनेस की तरह हम लिखते हैं ना, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, वो कहते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, क्या है, तो वो ऑक्यूपेशन। तो क्या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं, जो भी आप खुद एम्प्लॉय करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस, ठीक है। और एक है प्रोफेशनल, प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर अपना प्रोफेशन करता है, ठीक है, डॉक्टर अपना जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन, तो इसे हम भी क्या कहेंगे, बिजनेस। तो प्रोफेशन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो लॉ क्या कह रहा है कि बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। एक पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है, ठीक है। एंड मोटिव क्या होना चाहिए बिजनेस का, द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू एक्वायर गेन्स, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट्स। व्हाट इज द मोटिव ऑफ बिजनेस, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, जिससे कि मैं प्रॉफिट्स को अर्न कर सकूं, टू अर्न प्रॉफिट्स, या टू लिख सकते हैं यहां पे टू अर्न प्रॉफिट्स, बेटर वर्ड टू अर्न प्रॉफिट्स। मैं मोटिव क्या बिजनेस करने का, कि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई ने डिसाइड करा कि वो बिजनेस करेंगे शूज का, क्या करेंगे, शूज का बिजनेस करेंगे। कैसे बिजनेस करेंगे, शूज के लिए रॉ मटेरियल लेके आएंगे और उससे क्या करेंगे, शूज मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड देन वे विल मैन्युफैक्चर द शूज, जब वो शूज बना लेंगे फिर उसे बेचेंगे, और बेचने के बाद जो अपने एक्सपेंसेस लेस करके जिनके पास प्रॉफिट आएगा वो उसे क्या कर लेंगे, इक्वली शेयर कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर हम शूज मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसे बेचेंगे, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे और जो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम इक्वली शेयर कर लेंगे, फाइन। तो इसे हम कहेंगे बिजनेस, ये शूज करने के काम को हम क्या कहेंगे, बिजनेस, ठीक है जी। बट अनदर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, एक्स एंड वाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ध्यान से सुनना इसको, एक्स एंड वाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, क्या प्रॉपर्टी खरीदी, एक हाउस ले लिया घर पे, एक हाउस ले लिया, ठीक है, दोनों ने मिलके घर ले लिया और इस घर को इन्होंने फिर क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया, ठीक है जी। इन्होंने फिर क्या कर दिया, एक्स एंड वाई ने घर खरीदा और उसको क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया, और रेंट आया इनको 10,000 रुपीज पर मंथ इनके पास क्या आया, रेंट आया, जो इन्होंने इक्वली 5,000 शेयर कर लिया, 5,000 इन्होंने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन कम्स, क्या ये पार्टनरशिप है, देखो मैं आपके आगे, अभी तक हमने चार एलिमेंट सीखे हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हमारे ये एलिमेंट्स फुलफिल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। सबसे पहला एलिमेंट क्या था, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, क्या दो जने हैं मिनिमम, यस, एक्स एंड वाई दो जने हैं, ठीक है, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट, क्या ये दोनों शेयर करने के लिए तैयार है, यस, yes, ये दोनों प्रॉफिट शेयर करने, जो भी इनके पास रेंट आया वो शेयर करने को तैयार है। ऑफ बिजनेस, क्वेश्चन कम्स, क्या ये बिजनेस है, माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, क्या अगर एक्स और वाई दोनों मिलके एक घर ले लेंगे, उसको रेंट पे दे देंगे, तो क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, आंसर इज नो, एक्स अपना काम कर रहा है, वाई अपना काम कर रहा है, वो बिजनेस कहां कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उन्होंने किराए पे दिया और उसे रेंट ले लिया, तो मैं कहूंगा ये बिजनेस है या नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, और क्योंकि ये बिजनेस नहीं है तो क्या मैं इसे पार्टनरशिप फर्म कहूंगा, या क्या मैं इनके बीच में पार्टनरशिप कहूंगा एक्स और वाई के बीच में, आंसर इज अगेन नो, मैं इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं कहूंगा, क्लियर होगी ये बात, डन। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यहां पर एक्स एंड वाई ने क्या करा, घर खरीदा, उसको रेंट पे दे दिया और रेंट रिसीप्ट्स को इक्वली शेयर कर लिया, तो क्या ये बिजनेस था, नो, इट इज नॉट अ बिजनेस, मैंने तो सिर्फ क्या करा है, रेंट पे दिया, एक्स अपना काम कर रहा है, वाई अपना काम कर रहा है, ठीक है जी, और इसको मैं बिजनेस नहीं कहूंगा, और क्योंकि मैं इसे बिजनेस नहीं कहूंगा तो सारे एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हुए,
और सारे एलिमेंट्स फुलफिल ना होने की वजह से मैं इसे पार्टनरशिप भी नहीं कहूंगा। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, ध्यान से सुनिए। एक्स एंड वाई ने क्या करा, एक घर ले लिया, ठीक है, एक घर ले लिया और उस पे रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करा, रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट करा, और रेस्टोरेंट के काम से जो प्रॉफिट आया वो इन्होंने क्या करा, शेयर कर लिया, ठीक है। एक्स एंड वाई ने मिलकर एक पीस ऑफ जगह ले ली, जैसे एक पीस ऑफ बिल्डिंग ले ली एंड एक फ्लोर ले लिया बिल्डिंग का, मिलके खरीद लिया और उस पे रेस्टोरेंट रन करा, और रेस्टोरेंट रन करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया उसे शेयर कर लिया। देन क्वेश्चन कम्स, क्या एक्स और वाई के बीच में पार्टनरशिप है? आंसर इज यस। कैसे? देखो, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन, हाँ दो जने हैं एक्स और वाई, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट, क्या ये शेयर करने, प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार है? बिल्कुल यस। मैंने आपको बोला कि दोनों क्या करेंगे, जो भी रेस्टोरेंट से जो प्रॉफिट आएगा वो उसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल, रेस्टोरेंट का काम करना इट इज अ बिजनेस, ठीक है। तो फाइनली क्या इनके बीच में पार्टनरशिप है? बिल्कुल है, यस। मैं इसे कहूंगा कि एक्स और वाई के बीच में फिर क्या है, पार्टनरशिप है, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन टोटैलिटी थ्री एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स, थ्री। तो लेट्स रिवाइज द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करा व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। पार्टनर्स कौन होते हैं फर्म के, जैसे हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए और बी, तो फर्म के पर्संस जो एग्रीमेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स। कलेक्टिवली इनको हम क्या कहेंगे, फर्म, और जिस बिजनेस नेम में वो काम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फर्म नेम, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट करा एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में टोटल देयर आर 5 एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें से 3 आज हमने डिस्कस कर लिए। द फर्स्ट एलिमेंट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन इज कि कम से कम कितने जने होने चाहिए, 2 जने होने चाहिए, मैक्सिमम 50। ये लिमिट किसने बताई, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने। कंपनीज एक्ट 2013 के जो सेक्शन है 464, उसने बोला कि मैक्सिमम लिमिट इज 50। क्वेश्चन कम्स, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो, वो पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। फिर आया वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसे हम भी क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बताती है पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशन हैं, ये सारी चीजें कौन बताता है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल, ओरल भी हो सकती है, और इट कैन बी इन राइटिंग, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमने सीखा बिजनेस। हमने कहा पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस में बिजनेस होना जरूरी है, और बिजनेस का मोटिव क्या है, मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कमाना इज द मोटिव ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है, ठीक है। आई होप टूडेज लेक्चर इज क्लियर टू यू, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो देन यू कैन कॉल मी, यू कैन email me at Vishesh Academy of Commerce, and you can even message me at my contact number 7988-40286. Fine. I hope aap sabko aaj ka lecture enjoyable rakha, and you can go through your books, and ye point jo aaj humne seekha hai, inhe aap acche se pad sakte hain. Thank you.